दोस्तों आज मैं आपके सामने ऐसे इंसान को पेश करने जा रहा हूँ जिसे आप अगर देखेंगे ना तो खुद मोटिवेट हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आपके पास कहते हैं ना कि सब कुछ पूरा बॉडी सलामत रहता है फिर भी लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज मैं ऐसे इंसान से मैं मिलाऊँगा ना कि आप चीज़ उन्हें देखेंगे ना तो खुद मोटिवेट हो जाएंगे और खुद आपके अंदर से आवाज़ आएगा, आत्मा कहेगी कि यार इस इंसान को देख करके मुझे भी करता है कुछ करने का, कुछ जुनून सवार हो जाएगा। वैसे इंसान से मैं मिलाने वाला हूँ। जी हाँ यार, ऐसे इंसान को हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है और आप लोग भी हेल्प करेंगे। आइए उनका पहले मैं स्थिति बताता हूँ, उसके बाद आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ऐसे इंसान का हेल्प करना चाहिए और दिल से करना चाहिए, ठीक है। और ये बंदा ऐसा मतलब टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, और ये मतलब समझिए हाथ से कुछ लिख भी नहीं पा रहे फिर भी ये बहुत कोशिश कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ये मेरे भाई है और इनका हाथ देख सकते हैं, और ये जो हो गया इनको, ये खुद मतलब अपने पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए ही काम कर रहे थे, इलेक्ट्रीशियन काम, जिसकी वजह से इनका ये दशा हुआ, इनको करंट लग गया था, ठीक है। तो ये भाई हमसे पर्सनली मिलने आए हैं और ये हमसे ऐसा नहीं कि सिर्फ मिलने आए हैं, बस हमें अंदर से आवाज़ आया कि हमें इनका ना हेल्प करना चाहिए। ये हमसे हेल्प भी नहीं मांग रहे हैं फिर भी हम सोचे कि नहीं भाई, इन भाई का तो हेल्प करना चाहिए। देख रहे हैं इनका स्थिति, तो ऐसे इंसान को कौन नहीं हेल्प करना चाहेगा। और ये खुद का चैनल खोले हुए हैं, टेक चैनल, और कुछ टाइप भी नहीं कर पाते हैं फिर भी कोशिश करते हैं कि अब समय लगता है, लेकिन फिर भी ये टाइप करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं। आइए इनसे कुछ बात हम जानते हैं फेस वीडियो के थ्रू। तो भैया आपसे हम कुछ पूछेंगे, जैसा कि हम आपका ये स्थिति देख रहे हैं, हाथ है ना, तो यार हमें ना यार रोना आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आपसे ना मुझे भी देखने को सीख मिल रहा है और मोटिवेट हो गया हम भी काफ़ी। अगर किसी भी लाइफ में अगर कभी भी हम डिमोटिवेट होंगे ना तो यार इनसे मोटिवेट हो जाएंगे हम, इतना जानते हैं, और आप भी हो जाइएगा। तो भैया आप अभी क्या करते हैं? मैं अभी मतलब कुछ कर नहीं पाता हूँ। हाँ। मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ बिल्कुल। फिलहाल मैं अभी यूट्यूब पे काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ वो आगे बढ़ने का। आप लोग की वीडियो देखता हूँ और मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं कुछ करूँ। मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं डिजिटल यूट्यूब पर आने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग मेरा हेल्प कर दीजिए। मेरी कंडीशन आप लोग देख ही सकते हैं कि किस हाल में हूँ मैं। तो मुझे इससे बहुत ही, मुझे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है अभी जी। मेरी माँ है, एक मेरा फादर एक साल पहले डेड कर गया, एक छोटा भाई है वो भी कुछ नहीं करता है, मेरी माँ है तो अपना कैसे करके मतलब खेती गृहस्थी काम उम करती है, तो वहाँ से कुछ पैसा अर्न होता है तो वही हम लोग खाते पीते हैं। मगर मेरा ये हाल लगभग 2013 में हुआ था और मैं करीब 8-9 साल से यूं ही बेकार हूं, कोई काम नहीं कर रहा। मगर मैंने पंकज भाई का वीडियो 6-7 महीना पहले देखा, भाई की अर्निंग के बारे में देखा उखा, तो मुझे लगा कि इसका मतलब यूट्यूब से भी पैसा लोग कमाते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो मैंने भी वीडियो डालना स्टार्ट किया 6-7 महीना से मैं वीडियो डाल रहा हूं लगातार। उसके बाद मुझे कुछ चैनल पर ग्रो नहीं मिल रहा है, बहुत सारा कमेंट आता है कि आजकल विकलांगों भी आने लगे हैं कमेंट पर, ऐसा मतलब कोई कमेंट करता है तो बहुत दिल पर लगता है। तो मैंने पंकज भाई से मिला, मेरे आसे पास के हैं ये भाई साहब, तो मैं इनसे आए मिलने, बोला वाला कि चलते हैं पंकज भाई के पास, मेरा पंकज भाई कुछ ना कुछ तो हेल्प करवे करेंगे, एक बार पंकज भाई से ज़रूर मैं मिल लेता हूँ। तो आज पंकज भाई के पास आए हैं। पंकज भाई बहुत ही बेस्ट आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं, ये हर किसी का हेल्प करते हैं। तो भाई के भी चैनल को प्यार दीजिए और मेरे भी चैनल को थोड़ा आप सपोर्ट कर दीजिए। अपने चैनल का नाम बोल दीजिए सर। मेरे चैनल का नाम है तौसीफ टेक, नाम है चैनल का, और बस 6-7 महीना से सिर्फ चला रहा हूँ। हाँ तो भाई इनके चैनल का लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यार विजिट करना, इनको देखना और प्यार देना। यार हेल्प की ज़रूरत है, आज नहीं हेल्प करोगे किसी का तो कब हेल्प करोगे? प्लीज़ यार हेल्प करना इन भाई का। यार मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग इनका सपोर्ट करेंगे, इनकी वीडियो वॉच करेंगे। तो यार आप इनका देख सकते हैं कंडीशन क्या स्थिति है इनका, है ना। तो यार हेल्प करना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर इंसानियत होगा तो ज़रूर भाई के चैनल पे विजिट करेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, है ना। तो यही कोशिश रहेगा। तो ये काफ़ी दूर से भी आए हैं वैसे मिलने, तो बोले हैं पड़ोस के हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनको काफ़ी परेशानी भी हुई है आने में क्योंकि बारिश का मौसम है, रास्ता सब ठीक नहीं रहता है, आपको पता है ना। तो इनका यार ढेर सारा प्यार दीजिए, है कि नहीं।
और जो कुछ हुआ मुझे पैसों से मदद करना, तो भाई की हम पैसों से मदद की, ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे पैसे दिए, जो मुझसे जुड़ा वो हम पैसे दिए। हम मैंने यह बात इसलिए बोला कि मुझे इंस्पायर, मुझसे कोई इंसान इंस्पायर हो करके वो भी किसी इंसान का हेल्प करे, मैंने इसलिए यह बात बोली। बहुत बहुत धन्यवाद।